रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई के फैसले का मतलब ये हुआ कि 2000 रुपए का नोट अब चलन में नहीं होगा। हालांकि ये रुपया लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई के फैसले के बाद दो सवाल अहम हो गए हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये नोट बंद हो जाएंगे और फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए। इस सवाल का सीधा जवाब अभी देना मुश्किल है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले महीने में 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएं। लेकिन आरबीआई ने जो ताजा फैसला लिया है उसका मतलब यह है कि ये नोट अब चलन में नहीं होंगे और 30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट बैंक के सर्कुलेशन से भी हट जाएंगे। नोट बंद होगा या नहीं इसका जवाब आने में वक्त लगे, लेकिन इस फैसले का ये मतलब जरूर है कि इस नोट को बंद करने के क्रम में ये पहला कदम जरूर उठा लिया गया है। इसका सीधा जवाब है कि अभी घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट बंद नहीं किया गया है बल्कि चलन से बाहर किया जा रहा है, यानी ये नोट धीरे धीरे चलन से खत्म किया जाएगा। अगर अभी आप मार्केट में जाएंगे तो इससे लेन देन कर सकेंगे, लेकिन ये सच है कि अगर आपके पास ये नोट है तो इसे आराम से बैंक को लौटा दें और दूसरे नोट ले लें। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।